हमारे बीच में हैं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के शकील उर्फ रहमान जी। आई हम उनसे बात करते हैं कि अभी जो कुछ ही दिनों पहले अभी जो एक हज के लिए सब्सिडी दी जाती थी उसको ख़त्म कर दिया क्या है, तो आप इनसे हम जानकारी लेते हैं क्या मकसद है। सर अभी जो सब्सिडी ख़त्म की है एक धार्मिक जहाँ लोग जाते थे उसको सब्सिडी इन्होंने ख़त्म किया, तो इसका क्या एक मकसद निकल सकता है? देखिए जो हज सब्सिडी सरकार देती थी वो दरअसल एक मैनिपुलेशन का गेम था। हज का टिकट जो था वो हज कमेटी जो है वो 70,000-80,000 में ख़रीदती थी, जो टिकट आपको 20,000-25,000 में मिल सकता है। तो उस सब्सिडी को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करके जो एयर इंडिया जो घाटे में जा रही थी तो वो सब्सिडी डाइवर्ट करके वो एयर इंडिया को दिया जा रहा था। बहुत अच्छा कदम है, मैं स्वागत करता हूँ कि हज सब्सिडी ख़त्म कर दो, और साथ में सरकार से मैं ये भी मांग करता हूं कि जितने भी धार्मिक सब्सिडीज हैं वो सब खत्म होना चाहिए, क्योंकि जब इस यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और जमहूरियत है, तो इसमें धार्मिक बुनियाद पर किसी भी तरह की सब्सिडी किसी भी धर्म वालों को नहीं मिलना चाहिए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन सर जब वो राम मंदिर बनाने की बात करते हैं जब उनको सब्सिडी मिलती है तो उसमें क्या कहेंगे, तो एक मजहब वाली बात होगी ना, धर्म वाली बात होगी। हम मुतालबा करते हैं कि सरकार जो है वो जनता के भलाई का काम करे, धर्म को फैलाने का काम सरकार का कार्य नहीं है जी। और सरकार जो अपीजमेंट करती है छोटे छोटे धर्मों के नाम पे वो सब्सिडी और खर्च करके पैसे, ये बिल्कुल गलत है। और मैं आपके माध्यम से ये मुतालबा करता हूँ कि धार्मिक कार्य उन धर्मों के लोगों अपना अपना करें, और जो सरकारी फंड जो खर्च होता है ये अपीजमेंट है चाहे किसी का भी हो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धन्यवाद सर।